रिस्क लिया मैंने मंगा लिया तो मेरे को थोड़ी सी लूज आई है लेकिन इसके नीचे मैं लेयरिंग करूंगी क्योंकि इतनी ठंड हो रही है ना दिल्ली में हाई नेक आएगी ठीक है फुल स्लीव आएंगी स्ट्रेचेबल मटेरियल में आएगी जो वुलन वाला होता है उसमें और जो बिल्कुल वैसी है स्ट्रेचिंग बहुत अच्छी है इसका जो ऊन है वो बहुत अच्छा यूज हुआ हुआ है को ब्राउन कलर से ना ये कैटी बनी हुई मिल जाएगी तो ये अलग अलग टाइप की कैटी बनी कैट बनी हुई है हाई गाइज इस वेलकम बैक टू माई चैनल और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ विंटर वेयर ड्रेसेस वो भी अफोर्डेबल रेट्स में मेरी स्पेशलिटी यही है कि मैं आप लोगों को सारे के सारे कपड़े ना अफोर्डेबल रेट्स में शेयर करती हूँ ताकि आप उसको अच्छे से खरीद पाओ अच्छे से पहन पाओ और अच्छे से अपना मन भर पाओ ऐसा भी ना हो कि यार आपको लगे कि बहुत ज्यादा पैसे खर्च हो गए हैं तो वो वाली चीज मेरे साथ बिल्कुल भी नहीं है तो आइए अब जल्दी से मूव ऑन करते हैं अपनी वीडियो की तरफ लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए सब्सक्राइब एंड नाउ मूव ऑन टू तो वीडियो

लेट मी शो यू और मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में एक में दिखाया भी था कि मैंने ब्लैक कलर की फीस वाली लेगिंग मंगवाई है तो मैं इसको उसके साथ पहनूंगी ये देखो इसके ऊपर लिखा हुआ है लव काफी सुंदर ब्लैक के ऊपर लव लिखा हुआ है व्हाइट कलर का और ये ना थोड़ा उभरा हुआ सा जो मटेरियल होता है ना लव वाला ये वो है थोड़ी सी लूज़ है मतलब मेरे को ये फ्री साइज़ था इसमें कोई भी साइजेस अवेलेबल नहीं था मैंने रिस्क लिया मैंने मंगा लिया तो मेरे को थोड़ी सी लूज़ आई है लेकिन इसके नीचे मैं लेयरिंग करूँगी क्योंकि इतनी ठंड हो रही है ना दिल्ली में विदाउट लेयरिंग तो यहाँ पर काम चलने वाला ही नहीं है तो उसके बाद ये ठीक आएगी और अगर आपको लगता है कि फिर भी आपको लूज है ना तो आप इसके ऊपर बेल्ट लगा सकते हो बट येस yes, ये बहुत सुंदर लग रही है यार सीरियसली मज़ा आ गया इसको जब मेरे को आई लेंथ एकदम परफेक्ट आई है और फ्लीस लाइन के साथ इतनी ज़्यादा सुंदर लग रही है ये मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छी लगी तो एक मैंने मंगवाई थी ये वाली विंटर्स ड्रेसेस मिलनी बहुत मुश्किल हो जाती हैं वो भी अफोर्डेबल रेट्स में और नेक्स्ट मैंने मंगवाई है कास्मा की ही एक ये वाली तो वो तो मैंने एकदम ही ब्लैक मंगवा लिया एंड नेक्स्ट मैंने मंगवाया है ये क्रीम कलर क्रीम के ऊपर आपको ब्राउन कलर से ना ये कैटी बनी हुई मिल जाएगी तो ये अलग अलग टाइप की कैटी बनी कैट बनी हुई है फ्रंट एंड बैक इसका प्रॉपर ऐसा ही है बट ये वाला जो पार्ट है ना थोड़ा सा यहाँ पर आपको एक डार्क येलो कलर की कैट मिलेगी तो ये इसका पैटर्न है इसकी वूल बहुत ही सॉफ्ट है मतलब काफ़ी सॉफ्ट है इसकी वूल ना ऐसा नहीं है एकदम से पहनने के बाद कैडी से लगेगी टाइट टाइट से लगेगी हार्श लगेगी तो वो वाली चीज़ इसमें बिल्कुल भी नहीं है साइज दोनों का सेम है तो जैसे मेरे को स्मॉल या मीडियम आता है तो ये एक्सेल तक एकदम परफेक्टली फिट आने वाली है आप आँख बन करके इसको मंगवा लो और अगर आपको स्टाइल करनी है तो आप इसको ना बेल्ट लगाकर स्टाइल कर सकते हो दोनों की दोनों ड्रेसेस मेरे को बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगी अच्छी क्वालिटी की आई है अफोर्डेबल रेट्स में आई है विंटर के लिए एकदम परफेक्ट है आप इसको स्किन कलर की लैंग के साथ पेयर अप कर सकते हो एंड ब्लैक वाली को आप ब्लैक वाली जो फ्लीस वाली लैंग चल रही है उसके साथ पेयरअप कर सकते हो विद बूट इसके साथ ब्राउन बूट्स जाएंगे एंड ब्लैक वाली के साथ ब्लैक बूट्स जाएंगे नाम मूव ऑन करते हैं थर्ड की तरफ नेक्स्ट है ये मिगा विमेन रिब्ड सॉलिड वेस्टर्न ड्रेस और ए लाइन ड्रेस है मिडी वाली और मैंने ये मरून कलर में मंगवाई है पिक्चर में रेड लग रही है मे बी बट ये मरून कलर में मैंने मंगवाई है सबसे पहले इसका पैटर्न मैं दिखा देती हूँ मैंने अभी तक पहन कर नहीं देखी है मुझे पता नहीं है कैसी आएगी कैसी नहीं आएगी वैसे तो फिट ही आएगी क्योंकि काफ़ी स्ट्रेचिंग है इसमें तो काफ़ी सही आने वाली है हाई नेक आएगी ठीक है फुल स्लीव आएंगी स्ट्रेचेबल मटेरियल में आएगी जो वुलन वाला होता है उसमें और जो इसका नेक आएगा ना ये वाला पार्ट ये देखो यहाँ पर इस तरह से थोड़ा सा ओपन आएगा तो यहाँ पे थोड़ा सा आपकी जो स्किन होती है वो विजिबल होगी काफ़ी डिज़ाइनर ड्रेस है वैसे तो और बाकी पूरी की पूरी ए लाइन फिटेड ड्रेस है काफ़ी सुंदर लग रही थी इसमें आपको कलर ऑप्शन और मिल जाएंगे और पता नहीं क्यों अमेज़ॉन वाले में भी मेरे पर मेहरबान महर्बा, हो रहे थे तो उन्होंने मेरे को ये साथ में एक ब्रेसलेट फ्री दिया है मतलब मैंने पैकिंग खोली तो मेरे को ये इसमें ही मिला था अटैच ये देखो सिल्वर आ, स्टोन वाला ब्रेसलेट ये एकदम फ्री मिला है इसके साथ काफ़ी सुंदर लग रहा था और इसको चोकर बना के भी पहन सकते हैं बट आपको ना ये थोड़ी सी इसकी पीछे की स्ट्रिंग्स जो है एक्सटेंड करनी पड़ेगी बट ये हाई नेक है तो आप इसको चोकर बनाकर क्या ही करोगे काफी स्ट्रेचिंग है इसमें ड्रेस में लुक एट दिस स्ट्रेचिंग तो ये ये भी आई थिंक एक्सेल तक आराम से आ जाएगी एंड विंटर में स्टाइल करके ये इस टाइप की ड्रेसेस काफी अच्छी लगती हैं काफी स्टाइलिश लुक आ सकती है इसमें और ब्लैक या ब्राउन दोनों कलर के बूट्स के साथ ये चलने वाली है ना मूवन करते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट की तरफ जो मैंने मंगवाई है ग्लोबल रिपब्लिक की ड्रेस इसका मटेरियल काफी वॉम है और है ये भी पूरी हाई नेक बट इसका जो नेक वाला पैटर्न है ना वो थोड़ा सा ऐसे आएगा ओके ट्राई ऑन चल रहा होगा वैसे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा ट्राई ऑन में लग कैसा रहा है तो काफ़ी जो फैब्रिक होता है ना ये वाला थोड़ा सा यहाँ तक आएगा हाई नेक में बाकी नॉर्मल जो ड्रेसेस होती हैं बिल्कुल वैसी है स्ट्रेचिंग बहुत अच्छी है इसका जो ऊन है वो बहुत अच्छा यूज़ हुआ हुआ है और इसके बीच में ना सेल्फ़ में थोड़ा सा ये डिज़ाइन है बहुत ज़्यादा नहीं है जैसे रेड वाली तो एकदम ही प्लेन थी बट इसके सेल्फ़ में ये यहाँ पर डिज़ाइन दिया हुआ है तो काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रही है बस फ्रंट में नहीं है ब्लैक में नहीं है कम्फर्टेबल है कलर अच्छा है बड़ा डिफरेंट सा कलर है ड्रेसेस में वुलन ड्रेसेस में मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है और मेरे को काफ़ी पसंद भी आ रही थी तो मैंने मंगवा ली विंटर्स की ड्रेसेस मैं बहुत कम लेती हूँ बट ये मेरे को चारों की चारों बहुत अच्छी लग रही थी मेरे दिमाग में यह था कि मैं इनको स्टाइल कर कर पहन सकती हूं मल्टीपल वेज में तो सभी का परचेज लिंक मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है आप वहाँ से जाकर परचेज कर सकते हो एंड आई रियली होप कि आप लोगों को ये वाली वीडियो पसंद आई हो पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक करें शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ऐसी ही और वीडियोज देखने के लिए नोटिफिकेशन बेल भी जरूर प्रेस करें एंड ऑलवेज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ बाय बाइज